क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन है और इस रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात हो रही है। अब अगर हम इस रेडॉक्स रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखें तो आयनिक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि NO2 माइनस प्लस MnO4 माइनस NO2 माइनस प्लस MnO4 माइनस। अच्छा, H प्लस तो बैलेंसिंग H2SO4 यहाँ देखें तो केवल H प्लस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और काउंटर एंड सल्फेट एंड बैलेंस कर रहा है, और कोई काम तो है और रेडॉक्स में तो है नहीं, तो उसको ना लिखें। और ये फिर रेक करके Mn प्लस टू और NO3 माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ देखें तो ये प्लस सेवन से Mn प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू में जा रहा है, तो Mn में चेंज आया पाँच का, और ये प्लस टू से प्लस फाइव जा रहा है तो इसमें चेंज आया दो का, तो यहाँ हम फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब हमने मेन एटम बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए, अब बैलेंसिंग है ऑक्सीजन की। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन देखें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 8 और ये 10 18 एटम्स हैं, और इधर प्रोडक्ट साइड में 15 एटम्स हैं, यानी इधर हमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में तीन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, और तीन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो यहाँ पे प्लस थ्री एच टू हो गया। एच प्लस बैलेंस करें तो इस साइड में 6 एच प्लस हो गया। अगर हम इसको अब काउंटर एन के साथ बैलेंस कर गया तो देखो 6 एच प्लस में से 6 5 एच प्लस तो एच एन ओ टू के पास चला जाएगा, या 5 एच एन ओ टू इधर है और 5 एच एन ओ सॉरी 5 एन ओ टू माइनस इधर है और 5 एन ओ थ्री माइनस इधर है, तो दोनों साइड 5 5 एच प्लस ऐड कर दे तो ये मिल के बना दिया 5 एच एन ओ टू प्लस 2 के प्लस ऐड कर दें तो ये आ गया 2 के एम एन ओ फोर। और 6 एच प्लस की जगह हम 6 एच टू एस ओ फोर लिखें, और काउंटर आयन यहाँ बैलेंस किया जाए तो 6 नहीं क्योंकि एच प्लस का नंबर है 6, तो यहाँ एच टू एस ओ फोर 3 हो जाएगा, तो 3 एच टू एस ओ फोर, और ये आपस में रिएक्ट करके 2 एम एन एस ओ फोर प्लस 5 एच एन ओ थ्री प्लस 3 वॉट, और के प्लस जो ऐड किया है उसका काउंटर एन सल्फेट एन लग जाएगा तो ये के टू एस ओ फोर और वाटर। ठीक है, थ्री वाटर। अब देखें कौन सा इसमें से ट्रू है, तो एच टू एस ओ फोर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, एच टू एस ओ फोर तो एच प्लस प्रोवाइड करने काम कर रहा है और काउंटर एन, तो ये तो गलत बात हो गई।
दूसरा है HNO2 इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है, HNO2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बी ऑप्शन सही है। P+Q+R, तो P HNO2 का कोएफिशिएंट है, Q KMnO4 का है और R जो है वो H2SO4 का है, तो 5 to 7+3 यानी 10, ये भी सही हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इक्वल्स टू मोलर मास बाई 2, तो HNO3 का देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर +5 से +2 जा रहा है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन स्टेट का चेंज 2 से हो रहा है, सो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया मॉलिक्यूलर मास बाई 2, ये डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस का pH 11 दिया हुआ है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कब डाइल्यूशन करने पे। तो डाइल्यूशन करेंगे तो देखो, ये अगर pH स्केल बोल दिया जाए, ये 7 है, तो डाइल्यूशन करेंगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाती है, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन तो बढ़ता है, बट OH मास की कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन इज C α/V, या अगर हम इसके मोल्स के टर्म में लिखें A α/V, अल्फा भी बढ़ता है वी भी बढ़ता है, पर वी की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है सो नेट वैल्यू घटती है और pH जो होता है वो 11 से इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो pH इनकरेक्ट बताना है, तो pH तो डिक्रीज करना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज़ कहा जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- ये भी डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज़ कह रहा है, अल्फ़ा इंक्रीज़ करता है, हाँ अल्फ़ा डाइल्यूशन के बाद ओस्टवर्ड डाइल्यूशन से कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंक्रीज़ करता है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्फ़ा डिक्रीज़ करता है, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। नंबर ऑफ H+ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो H+ × OH- इक्वल्स टू KW होता है। अब जब हमने डाइल्यूट किया तो डाइल्यूशन पे देखेंगे कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, OH- की कम हुई तो H+ की बढ़नी चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है, बट ये इनकरेक्ट मार्क करना है हमें, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, सो इट विल नॉट बी द ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन, ये भी आयनिक और इक्विवेलेंट का मिक्सचर है, पहला है इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, हमें क्या बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है कि H2PO2- and HCO3- are amphoteric species. H2PO2- आता है, H2PO2- hypophosphite ion is produced from हाइपोफॉस्फाइड आयन प्रोड्यूस होता है H3PO2 से, और H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर आ जाएगा P single bond OH, और double bond OH, देखेंगे कि इसमें एक ही एसिड एक H है, सो इससे जब एनायन बनेगा P double bond O, O- H, H, ये एनायन एम्फीप्रोटिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, हाइपोफॉस्फाइट आयन इज नॉट एम्फीप्रोटिक। दूसरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कैन बी इक्वल टू इट्स मोलर मास, तो देखो इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर,
अगर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाए तो इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास मगर मास के बराबर हो जाएगा। अब देखो H3PO4 अगर किसी रिएक्शन में एक H+ यूज़ करके H2PO4- बनाए तो इस केस में केवल एक ही H+ यूज़ हो रहा है, सो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा और मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। K-4 अच्छा K-4 के एसिडिक मीडियम में थर्ड ऑप्शन है K-4, तो K-4 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है कि ये Mn+2 में जाता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है यहाँ पे। इसमें अगर K-4 का मॉलिक्यूलर मास m माना जाए और इक्विवेलेंट मास निकाला जाए तो इक्विवेलेंट मास विल बी m/5, तो ये तो m/5 आ गया। अगर हम बेसिक मीडियम में देखें या स्लैटरी बेसिक मीडियम में देखें तो स्लैटरी बेसिक मीडियम में K-4 MnO2 में जाता है और इस कंडीशन में इसका मोलर मास अगर m माना जाए इसका इक्विवेलेंट मास m/, तो यहाँ +7 था, यहाँ +4 में गया तो यहाँ m/3 हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि K-4 हैज़ मैक्सिमम इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम में, तो गलत है, ये मिनिमम जो है वो एसिडिक मीडियम में है, ठीक है, बेसिक मीडियम एकदम मिनिमम एसिडिक मीडियम में है, मैक्सिमम नहीं है। ऑक्सीडन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2 इज मोर देन NaH, डी ऑप्शन NaH हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है और हाइड्रोजन में 0 है, तो अगर ऑक्सीडन स्टेट करें कंपेयर करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीडन स्टेट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हाइड्राइड में, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है और ये इलेक्ट्रोलिसिस पे है। हमें बताना है कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस में O2 विल बी प्रोड्यूस एट एनोड, O2 एनोड पे प्रोड्यूस हो किसमें। देखो पहला है कि डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये ऑप्शन। अब एनोड पे यहाँ देखें ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल स्पीशीज में वाटर है और सल्फेट है, तो वाटर और सल्फेट होता है तो एनोड पे वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा और वाटर के ऑक्सीडेशन के बाद ये रिएक्शन होती है होगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो ए ऑप्शन से तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। बी ऑप्शन में एक्वस AgNO3 लिया, तो अभी एनोड पे नाइट्रेट आयन है और साथ में वाटर है। अब देखो नाइट्रेट एंड वाटर दोनों हैं तो नाइट्रेट आयन +5 ऑक्सीजन स्टेट में, वाटर की प्रेजेंस में नाइट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, सो यहाँ पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन वाटर का होगा और वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 और H+ बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में देखोगे कि सी ऑप्शन में डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे कॉपर भी है और H2SO4 भी है और वाटर भी है, तो वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगी जिसका SRP सबसे कम हो, तो कॉपर का SRP देखेंगे 0.34 है, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ एनोड पे कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक पस NaOH विथ Fe कैथोड एंड PT एनोड। अब देखो एक पस NaOH, तो यहाँ एनोड पे वाटर ही है जो ऑक्सीडाइजबल है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन वाटर का ही हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस में से ऑप्शन A, B और D में ऑक्सीडेशन के बाद वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 एक थ्योरेटिकल सवाल है और इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें उनको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है कि इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ
सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी या इज अ मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस है, और टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी जिसकी वजह से ग्राम बढ़ेगा। पहला ऑप्शन सही है। इन इट एक्सपीरियंसेस रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आयंस अबाउट मीन पोजिशन, नहीं ऐसा तो सॉलिड्स बी ऑप्शन जो है रेजिस्टेंस, यहाँ दो ऑपोजिटिव चार्ज आयंस के आपस में अट्रैक्शन के कारण होता है। ये मानो ये एक पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे इसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, साथ में सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस का लॉजिक दिया जा रहा है बी ऑप्शन में, ये सॉलिड्स के लिए अप्लीकेबल है, सॉलिड कंडक्टर मेटल कंडक्टर्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर जाती है। सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये सॉल्यूट और सॉल्यूट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इस बढ़ इंक्रीज इंट्रैक्शन की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टेंस। सही बात है, पोलैरिटी सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी तो इनको ज़्यादा अच्छे से सराउंड करेगा, इसको एकदम पैक करके रखेगा, तो इसका इसके साथ इंट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसमें ए सी डी ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 सवाल में K2Cr2 7 दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में सॉरी दो पार्ट है कि K2Cr2 7 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 9 मोल्स ऑफ इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। इथेनॉल हो गया CH3CH2OH, कंबाइन तरीके से लिखे तो उसको लिख सकते हैं कार्बन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर 6 और ऑक्सीजन का नंबर 1, ये हो गया C2H6O। अच्छा, एसिटिक एसिड इज CH3COH, तो CH3COH को लिख सकते हैं कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है, अच्छा K2Cr2O7 2K+ + Cr 2Cr+3 और 7 वाटर और इधर पे 6 इलेक्ट्रॉन + 14H+। ये K2Cr2O7 की बैलेंस हाफ रिएक्शन आती है, और अगर हम इथेनॉल का एसिटिक एसिड में ऑक्सीडेशन करें तो ये उसकी हाफ रिएक्शन आती है। अब देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को अगर बैलेंस करना हो, दोनों में अगर नेट रिएक्शन लिखनी हो तो नेट रिएक्शन के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें K2Cr2O7 में और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से किया तो ये 12, ये 3 से किया तो ये भी 12 हो गया। अब देखो इसके बाद कोएफिशिएंट आ जाएगा 2K2Cr2O7 और इथेनॉल में आ जाएगा 3, यानी 3 मोल्स ऑफ 3 मोल इथेनॉल के ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 2 मोल K2Cr2O7 की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 9 मोल यहाँ मेंशन है कि हमें 9 मोल इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है, तो 9 के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी कितने की, तो 6 की, तो मोल्स ऑफ K2Cr2O7 जो चाहिए वो 6 हो जाएगा, सो ए की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में ऐसा मेंशन किया है कि एक अननोन मेटल क्लोराइड है जो रिडक्शन होता है मैग्नीशियम के साथ और MgCl2 बनाता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखते हैं कि इतना 52.4 ग्राम मेटल क्लोराइड रिएक्ट करता है 9.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बताना है।
रिएक्शन देखें तो मेटल मैग्नीशियम प्लस एम जी से मेटल प्लस एम जी सी एल टू बन गया। अच्छा अब देखो एम जी, अब जितना एम जी का जो कोएफिशिएंट इधर होगा वही कोएफिशिएंट यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। अब एम जी का 24 ग्राम अगर हम मास वाइज देखें तो इसका 24 ग्राम कोएफिशिएंट 1:1 मानने के बाद तो इसका कितना, तो 24 और प्लस 71 यानी इसका 96 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम रिएक्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ एम जी मेटल 96 ग्राम ऑफ एम जी सी एल टू प्रोड्यूस होता है। तो अगर 9.6 ग्राम एम जी मेटल प्रोड्यूस हो रहा है, हेलो 9.6 ग्राम एम जी मेटल कंज्यूम हो रहा है तो इतना ग्राम एम जी सी एल टू प्रोड्यूस होना चाहिए भाई। 24 से 95 प्रोड्यूस होता है तो 1 से 95 बाय 24 और 9.6 इंटू 95 अपॉन 24 तो 38 ग्राम एम जी सी एल टू प्रोड्यूस होना चाहिए। अब देखो हमने एम जी रेक किया 9.6, एम जी रेक किया कितना 9.6 और मेटल क्लोराइड जो प्रोड्यूस एम जी सी एल टू जो प्रोड्यूस हुआ वो हो गया 38 ग्राम। अब ये यहाँ से हम बता सकते हैं क्लोरीन का कितना मास था, तो मास ऑफ क्लोरीन इन एम जी सी एल टू इज मास ऑफ क्लोरीन मेटल क्लोराइड और एम जी सी एल टू इतना 38 ग्राम था और इसमें मैग्नीशियम था 9.6 तो क्लोरीन का मास आ गया 28.4, ठीक है। और मेटल का मास आ गया मेटल क्लोराइड में, देखो मेटल क्लोराइड का मास गया था हमने नीचे 52.4 ग्राम, तो 52.4 ग्राम में से 28.4 ग्राम तो क्लोरीन का मास हो गया तो मेटल का मास आ गया 24। अब यूनिटरी मेथड 28.4 ग्राम क्लोरीन कंबाइन हो रहा है 24 ग्राम मेटल से और ये प्रोड्यूस कर रहा है 52.4 ग्राम मेटल क्लोराइड। तो अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास बताना है तो इक्विवेलेंट मास की बाय डेफिनेशन ये होती है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना उसका मास कंबाइन करे, तो 28.4 ग्राम से कंबाइन कर रहा है 24 ग्राम, सो एक से कंबाइन करेगा 24 बाय 28 बाय 28.4 और 35.5 से कंबाइन करेगा 24 इंटू 35.5 अपॉन 28.4 यानी ये आ गया बी की वैल्यू 30। और हमें ए बाई बी बी बाई ए पूछा है तो बी बाई ए विल बी 30/5 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें HPS की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है एक सॉल्यूशन में जिसमें इतना HOCl है और इतना NaOCl है और डिसोशन कॉन्सेंट हमें HOCl का प्रोवाइडेड है। अब देखो HOCl और NaOCl यहाँ दो चीज़ें आ गई, HOCl एक वीक एसिड है और NaOCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaOCl डिसोसिएट होके कंप्लीट डिसोसिएट होके Na+ OCl- प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो इस NaOCl की कॉन्सेंट्रेशन 2×10⁻⁴ है तो OCl- यहाँ से आ गया 2×10⁻⁴ और HOCl एक वीक एसिड है तो अगर वो एक वीक एसिड है तो उसका हमें इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए और उसका अगर इक्विलिब्रियम लिखे तो HOCl डिसोसिएट होके HPsNOCl- बना रहा है। इनिशियली इसकी HOCl की कॉन्सेंट्रेशन 2×10⁻³ है ये, तो
अच्छा मान लेते इसका एक्स डिसोसिएट हो गया, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस एक्स, ये एक्स बन गया, और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ओ सी एल माइनस, तो यहाँ एन ए ओ सी एल से आ गया और बाकी यहाँ से एक्स आ गया। अब इसका के लिखेंगे तो के विल बी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं एक्स इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस एक्स। और इसको अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी हमें एलिमेंटल एनालिसिस दे रखी है और हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीन ही एलिमेंट्स हैं। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन एच एटम्स इक्वल टू 66% ऑफ टोटल एटम्स, और मास रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज 3:2। ठीक है, अब अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है तो उसमें जो एक एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर है उनका सम बताना है। अच्छा, साथ में वेपर डेंसिटी दे रखी है 23, वेपर डेंसिटी 23 दे रखी है, तो मोलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी मोलर मास इज 46 ग्राम। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, पहला डेटा यूज़ करते हैं मास का, मास का रेशियो, मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज 3:2, यानी कार्बन का मास अगर 3x माना जाए तो ऑक्सीजन का मास 2x हो जाएगा। अब मास मिल गया तो मोल्स निकालें, तो मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, कार्बन का मास हो जाएगा 3:12, और सॉरी कार्बन का मास मोल्स है तो कार्बन का मास है 3x, तो मोल्स हो जाएगा 3x/12 यानी x/4, और ऑक्सीजन का मोल्स निकालना हो तो ऑक्सीजन का मास है 2x और अपॉन 16 कर दें तो ये हो गया x/8, ये आ गया मास किस, ये आ गया मोल्स किसका, ऑक्सीजन का। इनका रेशियो निकालिए, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, तो x/4:x/8, यानी यहाँ से आ गया कि ये इनके मोल्स का रेशियो कितना है, 2:1 है। अगर इनके मोल्स का रेशियो 2:1 है तो उस कंपाउंड में कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन का, कार्बन का दो एटम है तो हाइड्रोजन का एक एटम होना चाहिए, और हाइड्रोजन के एटम के बारे में भी पता नहीं है तो हाइड्रोजन के एटम को एक्स लिखे। अब दूसरा डेटा यूज़ करते हैं कि वो डेटा है कि भाई हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स इज 66 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 66.67% ऑफ टोटल एटम्स हैं। 66.67% ऑफ टोटल एटम्स का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन टोटल एटम्स में से 2/3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, टोटल एटम्स में से 2/3 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो बाकी 1/3 एटम्स किसके हो जाएंगे, तो बाकी 1/3 एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन के मिला के हो जाएंगे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है 2 कार्बन के 2, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का x और ऑक्सीजन का o। अब देखो टोटल एटम्स अगर n होते हैं तो उसका, टोटल एटम्स अगर n होते हैं तो उसका 1/3 हो जाएगा कितना, 3 के बराबर, क्योंकि 2/3 हाइड्रोजन के हैं तो 1/3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के हो जाएंगे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है, तो 2+1 है, यानी यहाँ से नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम n इक्वल्स टू 9 आ गया, यानी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, ये हो जाएगा ये तरीका। दूसरा तरीका, मान लेते हैं हाइड्रोजन के नंबर x है तो टोटल एटम हो गया 2+1+x। अब इसका 2/3 या 66.67% इज x, तो यहाँ से भी सॉल्व करके x की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू 6 आ रही है। इसका देखो ज़रा,
इसका मास कितना आ रहा है, अगर हम इसका एम्पिरिकल मास देखें, ये आया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका मास देखा जाए तो वो मास आ रहा है कितने के बराबर, तो कार्बन का बाद 24 और 36 और 46, इसका मास 46 आ गया, मतलब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 6 2 8, 6 + 2 8 + 1 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी कंस्टिट्यूट अ गैल्वेनिक सेल। हाँ, गैल्वेनिक सेल वही होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जब एक लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन में पीबी का एनोड, PbO2 का कैथोड होता है, और केमिकल रिएक्शन के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। जब चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग किया जाता है, तो चार्जिंग में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जब चार्जिंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बिहेवियर दिखाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्जिंग के टाइम पे वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बिहेवियर दिखाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मास लॉस्ट एट एनोड इज इक्वल टू मास गेन्ड एट कैथोड। ये तो गलत बात हो गई। जब मास की बात हो रही है तो मास तो डिपेंड करेगा कि एनोड पे कौन सा मैटर है, कैथोड पे कौन सा मैटर है। अगर एनोड पे कॉपर डिपॉजिट हो, एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो और कैथोड पे एजी रिड्यूस हो, तो क्या दोनों का मास बराबर होगा? नहीं, दोनों का मास बराबर नहीं हो सकता। सो ये जनरलाइज स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेटमेंट है, ई नॉट सेल इज अक्सटेंस इंटेंसिव क्वांटिटी। सही बात है, ई नॉट सेल इज अ इंटेंसिव क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तो गलत बात है, ई सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ई सेल का अपने पास एक्सप्रेशन है कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एगेन क्यू, और यहाँ आ रहा है आर टी अपॉन एन एफ, तो यहाँ टेम्परेचर फैक्टर आ रहा है, तो ई सेल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है, द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नीड नॉट ऑलवेज लुक लाइक अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हाँ, कई केसेस में, जैसे ये एक केस हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि ये अगर सेल रिएक्शन लिखा जाए, तो इसका अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ए जी प्लस सी एल माइनस ए जी सी एल बन रहा है, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन जैसा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ई नॉट सेल डिटरमाइंस स्पॉन्टेनिटी। किसी भी रिएक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं या ई सेल की वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन करती है तो डेल्टा जी से डिटरमाइन किया जाता है और ई सेल से डिटरमाइन किया जाता है, जी नॉट और ई नॉट से डिटरमाइन नहीं करते। जिस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हो या ई नॉट सेल, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अच्छा सवाल। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दो तीन चीज़ें मेंशन की है। उसमें सबसे पहले है कि प्योर वाटर इज सैचुरेटेड विथ AgCl और हम उसमें Ag की रॉड डिप करते हैं, और Ag की रॉड डिप करके एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, और उसका पोटेंशियल कैलियमल इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट मेजर करते हैं, नॉर्मल कैलियमल इलेक्ट्रोड। फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है AgI के साथ, और दोनों सेल AgI और AgCl को जब हम कैलियमल के साथ मेजर करते हैं तो
तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है 0.177 वोल्ट का, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ एजीसीएल एंड एजीआई, रेशियो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रेशियो बताना है। क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका कि हमने कैलोमर का कैथोड बना लिया और इसको ट्रीट किया, सॉरी कैलोमर का कैथोड बना लिया और एजीसीएल वाला जो इलेक्ट्रोड था उसको बना लिया हमने एनोड। अच्छा, अब इसका जब ई वन मतलब कैलोमर के अगेंस्ट जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसको देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl टू Ag, ये होगा। वैसे E2 को देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgI टू Ag होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो E1 माइनस E2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी E2 माइनस E1 की वैल्यू हो जाएगी AgCl माइनस AgI और इसकी वैल्यू आ रही है 0.177। यानी पोटेंशियल ज़्यादा किसका है तो AgCl वाली का ज़्यादा है, AgI का कम है। अब देखो इसको ऐसा देख के लग रहा है कि हमने AgCl का कैथोड बना दिया है। इसको अगर हम देखें तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि AgCl का कैथोड है और AgI का एनोड है, हाँ है ना। तो अगर AgCl का कैथोड है और AgI का एनोड है, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड करते हैं, तो इससे हम सेल देख सकते हैं कि AgCl कैथोड पे है और AgI एनोड पे है। इसको फिर फर्दर हम Ag के टर्म में देखें तो हम देख सकते हैं कि Ag+2 Ag और यहाँ Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन AgI एनोड पे Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन AgI से आएगी और कैथोड पर Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन AgCl से आएगी। चूंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में Ag+ इंटू X- इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन X- मतलब Cl- और एक जगह I-, जनरल वे में लिखते हैं तो X- कर देते हैं। इनका प्रोडक्ट KSP के बराबर होना चाहिए। अब Ag+ और X- दोनों बराबर होंगे सो ये हो जाएगा Ag+ का स्क्वायर और यहाँ से Ag+ का स्क्वायर है तो रूट उधर कर दे तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी रूट KSP। सो इसमें Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन रूट KSP ऑफ AgCl और यहाँ पे AgI। अब देखो ये एक, अब ये वाला जो सेल लग रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसका सेल पोटेंशियल 0.177 है और कॉन्सेंट्रेशन सेल का पोटेंशियल देखते हैं E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन वन log नेट डायरेक्शन जब लिखोगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो Ag से Ag+ बनेगा तो Ag+ एट एनोड ऊपर और Ag+ एट कैथोड नीचे आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी नेट डायरेक्शन लिखें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन तो Ag+ एट एनोड और Ag+ एट कैथोड से Ag एट कैथोड, तो E0 से इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें और माइनस को उल्टा कर दें, इधर शिफ्ट करके और लॉग वाले टर्म को उल्टा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.177 अपॉन 0.0591 इक्वल्स टू लॉग Ag+ एट कैथोड अपॉन Ag+ एट एनोड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो ज़रा 0.591, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आ जा रही है 3 के आसपास, ठीक है। और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन पुट करें
तो वो रूट ऑफ के एस पी ऑफ ए जी सी एल है, और ये पुट करें तो रूट ऑफ के एस पी ऑफ ए जी आई है। तो यहाँ से रूट बाहर निकाल गया, तो हाफ लॉग के एस पी ऑफ ए जी सी एल अपॉन के एस पी ऑफ ए जी आई। एंटी टू को इधर शिफ्ट करें और एंटी लॉग गए तो दोनों के एस पी का रेशियो आ जाएगा 10^6 इज इक्वल टू के एस पी ऑफ ए जी सी एल अपॉन के एस पी ऑफ ए जी आई। ठीक है, दोनों का रेशियो 10^6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेशन 200 ml है और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। इसको मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वी मोलर एच सी एल, मतलब एच सी एल का भी सेम वॉल्यूम और सेम मोलैरिटी के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। फिर उसमें हम 1 ग्राम एन एच ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन में एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतने से x इंटू 10^-y से रिप्रेजेंट की जाती है। तो हमें x प्लस वाई का समेशन बताना है और एसिटिक एसिड का के प्रोवाइडेड है। ठीक है, एसिटिक एसिड का हमें के प्रोवाइडेड है 2 × 10^-5। देखो अच्छा सवाल है, कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले तो देखें कि एसिटिक एसिड और एच सी एल दोनों प्रेजेंट हैं। तो अगर एसिटिक एसिड और एच सी एल दोनों प्रेजेंट हैं तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा और हम इसमें एन एच ऐड कर रहे हैं तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स निकालिए तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ml है, वॉल्यूम 200 ml है। सो यहाँ पे इसके मिलीमोल्स आ गए 200 × 1 यानी 20 mmol। वैसे एच सी एल के निकाल गए तो इक्वी मोलर है और इक्वी वॉल्यूम भी है तो उसके भी मिलीमोल 20 mmol आ गए। एन एच का 1 ग्राम गया तो उसके मोल्स आ गए 1/40 और 1/40 मोल्स, और अगर मिलीमोल निकाल गया तो 1/40 × 1000 तो ये आ गया 25 mmol। अब देखो एच सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक है तो एच सी एल तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, और जब एच सी एल कम्प्लीटली आयनाइज होगा तो उसके प्रेजेंस में एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन बहुत बहुत कम होगा। यानी जब एन एच ऐड करेंगे तो एन एच प्रिफर करेगा पहले कि वो आयनाइज एच सी एल के साथ रिएक्ट करें। तो एच सी एल के मिलीमोल 20 हैं, एन एच के 25 हैं, तो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एच सी एल पूरा कंज्यूम हो जाएगा और एन एच के 5 mmol बच जाएंगे। HCl से रिएक्शन के बाद 5 mmol बच जाएंगे। अब ये जो बचे हुए 5 mmol हैं वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, आए ना? तो 5 mmol जो NaOH का बचा हुआ है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट, बचा हुआ मिलीमोल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिटिक एसिड के इनिशियल मिलीमोल 20 हैं और NaOH के 5 हैं, तो जब इनमें आपस में रिएक्शन होगी तो इसमें लिमिटिंग एजेंट देखा जाएगा। तो लिमिटिंग एजेंट NaOH आ गया, लिमिटिंग रेजेंट इज NaOH, तो इसके मोल्स ख़त्म हो जाएंगे और एसिटिक एसिड के 15 mmol बनेंगे। एसिटिक एसिड के 15 mmol बचेंगे और NaOH सारा का सारा NaOH ख़त्म हो चुका है और सोडियम एसिटेट के 5 mmol बन गए। अब देखो सोडियम एसिटेट के जब 5 mmol बन गए और एसिटिक एसिड के 15 mmol बचे हुए हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये तो बफर जैसा है। क्यों बफर है? तो बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, यानी ये तो एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये एक बफर सॉल्यूशन है तो बफर सॉल्यूशन है तो हम इस बफर सॉल्यूशन का में एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम K का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि K ऑफ एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होके CH3COOH आयोनाइज होके H+ एंड
CH3COO- माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम इसका K लिखेंगे तो K विल बी H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए 2×10⁻⁵ इंटू एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो मिलीमोल 15 है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 0.015 और टोटल वॉल्यूम इज 400 ml और अपॉन एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो इसके मिलीमोल 5 हैं तो वो 0.05 और ऊपर का वॉल्यूम और नीचे से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 6×10⁻⁵। सो एक्स इक्वल्स टू 6, वाई इक्वल्स टू 5, यानी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ट्वेंटी सेवन में डाई क्लोरो एसिटिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं CO2H2N क्लोरीन में बाई 300 grams इक्वलेंट ऑफ K-4 और ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में। तो अब बताना है कि इसी क्लोरोएसिटिक एसिड में इसी क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्लोरोएसिटिक एसिड जब CO2H2O और Cl2 में जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसमें देखोगे कार्बन 1, 2, हाइड्रोजन 1 और 2, ऑक्सीजन 2 और Cl2 2, ऑक्सीजन -2 में, क्लोरीन -1 में, हाइड्रोजन +1 में। कंपेयर करें तो कार्बन आ गया +2 में। ठीक है, क्लोरीन -1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, तो कार्बन आ गया +2 में। ऑक्सीजन स्टेट्स की कंपैरिजन से देख सकते हैं, नेट ऑक्सीजन स्टेट मस्ट बी 0 कि 2 क्लोरीन -1 में, 2 हाइड्रोजन +1 में, तो ये तो 0 हो गए, 2 ऑक्सीजन -2 में हो गया, तो 2 कार्बन +2 में हो गए। अब जब ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर और Cl2 में जाएंगे तो इसके हिसाब से हम इसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी 6। कैसे, 2 कार्बन +2 से +4 में गया, 1 कार्बन में चेंज 2 का हुआ तो 2 कार्बन में चेंज 4 का हो गया। दूसरा क्लोरीन -1 से 0 में गया, 1 क्लोरीन में चेंज 1 का आया तो 2 क्लोरीन में चेंज 2 का आ गया, तो वैलेंस नेट चेंज 4 कार्बन में आ गया, 2 क्लोरीन में आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर 6 है। ठीक है, अब सीधा सीधा कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है कि भाई इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ K-4। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है भाई इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट और हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी इक्विवेलेंस आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K-4। अच्छा, K-4 की इक्विवेलेंस प्रोवाइडेड है अपने को 300 और इसके इक्विवेलेंस को देख सकते हैं इसका मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, सो मोल्स ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज इक्वल टू 5 300/6 यानी आ गया 50। ठीक है, तो क्लोरोएसिटिक एसिड का जो इक्विवेलेंस हो गया वो हो गया कितना, तो वो है 50 क्लोरोएसिटिक एसिड का जो मोल्स आ गया वो हो गया 50।
अब यहाँ पे देखोगे कि इसके अगर 50 मोई हैं तो बेरियम इसका दो, अगर बैलेंसिंग करके देखें तो इसका 2:1 है, इसका 50 है तो इसके इसके मोल्स हो जाएंगे 25, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स जो इसके यूरासिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। मेथनॉल की डेंसिटी प्रोवाइडेड है कि मेथनॉल की डेंसिटी इतनी है, अब इसका हम कितना वॉल्यूम यूज करेंगे, इसका कितना वॉल्यूम लें कि हम इतना मीटर क्यूब ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन बना सकें। ठीक है, अच्छा यूनिट स्पेसिफाई कर दीजिए कि यूनिट किस में चाह रहा है, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो ml में है, हमें वॉल्यूम ml में बताना है। अब देखो एक मेथनॉल की शुरू में डेंसिटी दे रखी है, मेथनॉल इज CH3OH, मोलर मास उसका 32 ग्राम्स हो गया और डेंसिटी केजी पर लीटर में दे रखी है, तो उसको हम ये वैल्यू केजी में दे रखी है, तो हम मोलर मास को भी केजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेथनॉल का जो ओरिजिनल मेथनॉल है वो, उसको अगर देखें तो वो जो ओरिजिनल मेथनॉल है वो प्योर फॉर्म में है, तो उस ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता सकते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी हो तो देखो एक लीटर में उसका 0.792 केजी है, डेंसिटी इज इतना, इसका मतलब हो गया कि एक लीटर में उसका 0.792 केजी है, यानी 792 ग्राम्स है, तो 792 ग्राम्स को अगर हम 32 से डिवाइड कर दें तो मोल्स मिल जाएंगे, और ये मोल्स 1 लीटर में है तो वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी, तो 0.792 अपॉन मोलर मास केजी में, केजी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसकी मोलैरिटी आ गई इनिशियल इस 24.78 लीटर्स। ठीक है, अब हम M1VN अप्लाई कर सकते हैं कि शुरू में जो सॉल्यूशन जो हम यूज करेंगे उसका वॉल्यूम अगर हम V1 मान लें तो ओरिजिनल मोलैरिटी इतनी है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें वॉल्यूम इज 0.0027 मीटर क्यूब, यानी वो हो गया 2.7 लीटर्स एक मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि इसका वॉल्यूम हो गया 2.7, मोलैरिटी है 0.22, इक्वेट करके हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम विल बी 24 ml। दूसरा तरीका हम मान लेते हैं कि एक और तरीका देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा रफली बताएंगे। हमने इनिशियल सॉल्यूशन का मान लिया, हमने वी लीटर यूज़ किया, ठीक है, डेंसिटी 0.792 केजी है, तो इसमें हम मास बता सकते हैं कि इसमें इसका मास हो जाएगा 0.792 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो तो इसमें इसका मास हो जाएगा, वॉल्यूम इतना है, तो ये ग्राम पर लीटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी लीटर सॉल्यूशन में इसका मास हो जाएगा वी इंटू 792, ये आ गया मास किसका, मेथनॉल का। इसका मोलर मास कितना है 32, उससे डिवाइड कर दें तो ये आ गए इसके मोल्स, 32 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा उसका मोल्स। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो इसके मोल्स हैं वो भी तो अपने को पता है कैसे, एम इंटू वी से, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है उसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 2.7 इंटू 0.22,
अब यहाँ से हम V निकालेंगे, बट ध्यान रखना ये V की वैल्यू जो आ रही है जो आएगी वो लीटर में आ जाएगी, और हमें ML में रिपोर्ट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करके रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का बढ़िया सवाल। क्वेश्चन में परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की बात की जा रही है। परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O8, परोक्सी लिंक होता है, इसको मोनोपरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन की जाती है H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से, और ऐसा दिया हुआ है कि इसकी प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो O2, एक तो H2, दूसरा O2, और तीसरा अगर प्रिपरेशन किसी की कर रहे हैं तो ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब बताना है कि अगर इतना लीटर O2 और इतना लीटर हाइड्रोजन और इतना लीटर O2 प्रोड्यूस हुआ है तो हमें बताना है कि इनिशियली अगर इतना लीटर H2 और इतना लीटर O2 प्रोड्यूस हुआ है तो हमें ये बताना है कि कितना लीटर या कितना ग्राम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट H2SO8 प्रोड्यूस हुआ है। देखो प्रोडक्ट्स को देखें तो पहला प्रोडक्ट है H2SO8, ये तो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है O2 और हाइड्रोजन, तो ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट है और ये रिडक्शन के प्रोडक्ट है। कैसे? ये जीरो में है, पानी में माइनस टू में था, ये जीरो में आ गया, और यहाँ परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो ये तो पक्का ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, और हाइड्रोजन में प्लस वन में था, ये जीरो में आ गया, तो ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है। तो कैथोड पे रिडक्शन हो गया और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया इन दोनों का, दोनों की बैलेंस रिएक्शन है। तो वाटर से O2 4H+ चार इलेक्ट्रॉन, और दो सल्फेट आयन से एक परोक्सी डाइसल्फेट और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो हम हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन के मोल्स हो गए 10.304 अपॉन 22.4, और ऑक्सीजन के मोल्स हो गए 2.24 अपॉन 22.4, ठीक है। तो अच्छा अब देखो जितना चार्ज एनोड से पास होना चाहिए वही चार्ज कैथोड से पास होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो एनोड से जो चार्ज पास हो रहा है तो हाइड्रोजन का एक मोल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो दो मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, हाइड्रोजन का अगर एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो दो मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। यहाँ देखें हाइड्रोजन का अगर एक मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स दो हैं इस इक्वेशन से, वहीं ऑक्सीजन का एक मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स चार हैं, और परोक्सी डाइसल्फेट का एक मोल है तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स दो हैं। और जितना चार्ज एनोड से पास होता है तो वही चार्ज कैथोड पर जाता है,
एनोड का चार दिन दोनों में, ये दोनों रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कैथोड में ये चार सेम रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। तो हाइड्रोजन ने कितने मोल यूज़ किए, इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल यूज़ किए, तो हाइड्रोजन के मोल्स अगर इतने हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स बता सकते हैं कि भाई उसका डबल, ऑक्सीजन के मोल्स इतने, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स ऑक्सीजन यूज़ करेगा उसको देख सकते हैं कि इसका चार गुना। और परऑक्साइड सल्फेट में देखेंगे कि इसके अगर एन मोल्स मान लिए जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन के मोल्स हो जाएंगे वो उसका डबल, क्योंकि यहाँ पे टू मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, टू से कैंसिल कर दे तो टू से ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया, ये जो टू है इसे कैंसिल कर दें तो ये टू टाइम कैंसिल हुआ और ये वन हो गया, तो 22.4 इंटू टू प्लस मोल्स ऑफ दिस। और इसको अगर सॉल्व करें तो हम यहाँ से परऑक्साइड सल्फेट के मोल्स बता सकते हैं और उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट वन एंड टू, दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, दो स्टेटमेंट वाला सवाल है। और इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि पहला स्टेटमेंट कि KIO3 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ I2 और जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ट्रीट करें हाइपो के साथ। तो पूछा, कहा जा रहा है कि हाइपो और KIO3 के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे, नहीं ऐसा है क्या या नहीं, तो देखते हैं। KIO3 जब ऑक्सीडाइज होगा I2 में तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5, क्यों, प्लस 5 से 0 में गया और एक आयोडीन का एटम है तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 5। हाइपो, अच्छा फिर हाइपो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइपो, और इसको फर्दर I- में भेजेगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। और हाइपो अगर हम लिख ही लेते हैं फॉर्मूला, तो हाइपो इज Na2 H2O3 और ये ऑक्सीडाइज होके Na2 S4O6 बनाते हैं। तो अगर ऑक्सीडाइज होके ये Na2S4O6 तो यहाँ अगर इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइपो में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का अगर निकालें तो सल्फर प्लस सॉरी ऑक्सीजन -2 में तो 2 ऑक्सीजन -6 में और सोडियम +2 में, सोडियम +1 में तो 2 सोडियम +2 में, यानी एक सल्फर आ गया +2 में। और यहाँ देखें तो 6 -2 और ये हो गया +2 तो ये 10, यानी ये हो गया 2.5, एक सल्फर में चेंज 2 से 2.5 हो जा रहा है। एक सल्फर में देखेंगे ऑक्सीजन स्टेट 2 से बढ़ के 2.5 हो रहा है, तो एक सल्फर में चेंज 1.5 का, इसमें 2 सल्फर है सो इसका वैलेंसी फैक्टर इज 1। तो सबका वैलेंसी फैक्टर इसमें 5 आ रहा है और यहाँ पे इसका 1 आ रहा है, तो इनके आपस में मिली इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं हो सकते। मिली इक्विवेलेंट्स एक पढ़कर रिएक्शन में बराबर होते हैं, I2 से I- होगा तो I2 से I- के मिली इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे, इसके आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बट इसका और इसका आपस में बराबर नहीं होगा। अब देखो I2 का यहाँ पे, अगर I2 का इस रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर देखा जाए, आयोडीन का अगर वैलेंसी फैक्टर देखा जाए तो इस रिएक्शन में आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर है 10। अगर आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर देखा जाए
तो आई टू से इस वाली रिएक्शन में आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर है 10 और इस वाली रिएक्शन में इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। तो जो बजिंग है उसी का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट है, तो ये इनके आपस में इक्विवेलेंस बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ए केमिकल रिएक्शन मेक इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट आर इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू मेक इक्विवेलेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट। हाँ सही बात है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ऐसा होगा, पर ये तो दो डिफरेंट रिएक्शन आ गई, तो दो डिफरेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, आई बात समझ।